नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का मुकदमा लगना अब एक आम बात सी हो गई है। कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं जो इस धारा का काफी ज्यादा गलत उपयोग कर रही हैं। पति और पति के घर वाले कुछ नहीं करते हैं, बेगुनाह होते हैं, इसके बावजूद भी जो पत्नी है अपने पति और पति के घर वालों से अपनी मनमानी बात मनवाने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्तिगत कारणों की वजह से कोर्ट का सहारा लेती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठा 498 ए का केस दर्ज करा देती है। पत्नी झूठी थोड़ी मोड़ी बातें लिखवा देती है कि पति मुझे परेशान करता है, मारता है, पीटता है, पुलिस में कंप्लेन करती है और छोटी छोटी बातों के लिए ये केस दर्ज हो जा रहा है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें हाई कोर्ट ने धारा 498 ए में एक ऐसा परिवर्तन अब कर दिया है, एक ऐसा संशोधन कर दिया है जिसकी वजह से लाखों ऐसे पति जो इस धारा के गलत उपयोग का परिणाम भुगत रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान है, उनके लिए ये जजमेंट समझिए वरदान साबित होने वाला है। इस जजमेंट के जरिए लाखों पतियों को एक ऐसी सुरक्षा मिलने वाली है, एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है, एक ऐसा जजमेंट मिलने वाला है जिससे आगे की उनकी जो परेशानी है उसमें उनके लिए काफी ज्यादा ये जजमेंट मददगार सिद्ध हो सकता है। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए से संबंधित एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है और इस जजमेंट के जरिए लाखों पतियों की सुरक्षा मिलने वाली है, उन्हें काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो इस जजमेंट को आप बारीकी से समझिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा ताकि यदि आपका ऐसा मामला होगा तो इस जजमेंट का आप यूज कर सके और इस जजमेंट के जरिए फायदा ले सके और अपने ऊपर लगे झूठे मुकदमे को क्वेश करा सके। अब देखिए, इस जजमेंट के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, अब आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि इस किताब में क्या चीजें बताई गई हैं। तो देखिए, ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का, 125 सीआरपीसी का, डीवी एक्ट का या फिर कोई भी ऐसे झूठे मुकदमे का सामना कर रहे हैं जो उनकी पत्नी के द्वारा उनके ऊपर दर्ज करा दिया गया है, तो ये जो किताब है ऐसे पतियों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। उन्हें इस किताब के जरिए काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है और पति समझ पाएंगे कि उन्हें उनके ऊपर लगे झूठे मुकदमों का सामना कैसे करना है, कैसे लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, अपना पक्ष कैसे मजबूत करना है। इस किताब में आपको सारे मुकदमों की प्रक्रियाएं मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको ड्राफ्टिंग मिल जाएंगी, आवश्यक बातें मिल जाएंगी, टिप्स मिल जाएंगी, अच्छी जानकारियां मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ सकती हैं। यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है और साथ में 100 रुपए कोरियर चार्ज है, यानी 650 रुपए इस किताब का मूल्य है। 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इस किताब का मूल्य 600 रुपए अभी है। आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आगे क्या प्रोसीजर है, कैसे आप इस किताब को बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट को समझते हैं और जानते हैं कि हाई कोर्ट ने धारा 498 ए में पति के पक्ष में क्या बदलाव किया है, क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं हमारे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को क्वेश्चन से संबंधित जजमेंट है। अब आप क्वेश्चन के बारे में जानते ही होंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का उपयोग आपराधिक मुकदमों को क्वेश्चन यानी रद्द कराने के लिए किया जाता है और ये जो रद्द कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है वो हाईकोर्ट में दिया जाता है। तो ये उसी से संबंधित है। इस मामले में झूठे 498 ए के केस को हाईकोर्ट ने रद्द किया है, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट आया है इसमें जो पक्षकार हैं वो सारंग दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है शादी के बाद अपने पति और पति के माता के ऊपर आरोप लगाती है कि शादी के एक महीने के बाद जो पति और पति के माता थे वो लोग पत्नी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगे, उससे काम करने के लिए कहने लगे, साथ ही साथ 400,000 रुपए मांगने लगे जिससे वो कार खरीद सके। और जब पत्नी ने कहा कि मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आप लोगों को दे सके, तो ऐसे में जो पति की माता थी यानी जो सास थी वो
वो पत्नी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगी और दुर्व्यवहार करने लगी, पत्नी के साथ क्रूरता करने लगी, और इसके आधार पे पत्नी ने पति के और पति के माता के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 330 और अन्य कुछ धाराओं में FIR दर्ज करा दिया। उसके बाद जो पति और पति की मां है उन लोगों ने बैसिंग के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच में एक 482 CRPC के तहत एप्लीकेशन दिया। अब देखिए वहां पे पति की तरफ से ये तर्क दिया गया कि ये जो मामला है वो झूठा है, सिर्फ पति को फंसाया गया है और पत्नी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि उसके साथ क्रूरता की गई ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, पत्नी सिर्फ फंसा रही है। उसके बाद पत्नी पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो एप्लीकेशन है 482 CRPC का उसे रद्द कर दिया जाए। और ऐसे में जब हाईकोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है, उसके बाद पूरे मामले को देखता है, तो हाईकोर्ट यहाँ पे ये चीज देखता है कि पत्नी ने ये जो चीज कही है कि शादी के एक महीने के बाद उससे 4 लाख रुपयों की डिमांड की जाने लगी, 4 लाख रुपये इसलिए मांगे जा रहे थे कि वो कार खरीद सके, और जब पत्नी ने कहा कि मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आप लोगों को दे सके, तो पत्नी की जो सास थी यानी पति की जो माँ थी और पति थे वो पत्नी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगे, उसे काम कराने लगे और उसके साथ क्रूरता करने लगे। यहाँ पे पत्नी ने ये चीज डिफाइन नहीं किया है कि किस प्रकार की क्रूरता की गई, क्या किया गया, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया। सिर्फ पत्नी ने एक शब्द बोल दिया है कि उसके साथ क्रूरता की गई, क्रूरता को डिफाइन ही नहीं किया है कि क्रूरता जैसा क्या किया गया उसके साथ। तो ऐसे में यदि ऐसे मामले भी दर्ज होने लगे जहां पत्नी कुछ बता ही नहीं रही है कि क्या किया गया, क्या हुआ उसके साथ, और ऐसे में FIR दर्ज हो और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मामला दर्ज होने लगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी, समाज में काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो ऐसे में हाईकोर्ट यही कहता है कि यदि पत्नी के साथ क्रूरता हुई है तो उसने अस्पष्ट यदि नहीं किया है कि किस प्रकार की क्रूरता हुई है तो ऐसा मामला चलाए जाने योग्य नहीं है, और ऐसे में जो हाई कोर्ट होता है मामले को पेश कर देता है। तो यहां पे इस जजमेंट के जरिए ये चीज सामने निकल के आ रही है कि यदि आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर ऐसा कोई केस दर्ज कराया है जिसमें उसने किस प्रकार का अपराध किया गया, क्या चीजें की गई, क्या क्या उसके साथ हुआ, कब हुआ, कौन किया, किस समय हुआ, ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं की है तो ऐसा मामला क्वेश हो सकता है जैसा कि इस मामले में हुआ है। पत्नी ने स्पष्ट ही नहीं किया था कि किस प्रकार की क्रूरता हुई, कौन किया गया, कब किया गया, क्या क्या घटनाएं हुई, कुछ नहीं बताया था, सिर्फ यही लिख दिया था कि उसके साथ क्रूरता किया जाने लगा, उसे काम कराया जाने लगा। तो ऐसे में कोर्ट इस चीज को नहीं मानता है और मामले को क्वेश कर देता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बात इस मामले में कोर्ट कहता है कि पत्नी के द्वारा या सास के द्वारा अगर सास जो है वो अपने बहू से कहती है कि तुम घर का काम करो तो ये चीज किसी प्रकार की कोई क्रूरता नहीं मानी जाएगी। तो ये भी जो एक लाइन कोर्ट के द्वारा बोली गई है, एक टिप्पणी की गई है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इस जजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही चीज है कि देखिए अगर पत्नी ने सिर्फ साधारण बातें लिखी है और कहा है कि क्रूरता किया गया, उसके साथ कि ये सब चीजें की गई और उसने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या क्रूरता की गई, कब क्रूरता की गई, कौन किया, क्या क्या घटनाएं हुई, ये सिर्फ स्पष्ट नहीं है तो ऐसा मामला क्वेश हो सकता है। और ऐसे मामले को क्वेश कराने के लिए जो ये मैं जजमेंट बताया आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल क्रिएट किया है जिस चैनल में मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट डालता रहता हूँ, तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।